दिन में पूरी जिंदगी पलट गई हमारी। पुलिस ने पापा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ पता नहीं। हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए हमेशा की तरह सस्पेंस और थ्रिलर से भरी फिल्में लाए हैं जो एक से बढ़कर एक है। नंबर 1 और 3 पर जो फिल्में हैं उसको तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी समीक्षाएं लाते रहते हैं। नंबर 6, व्हाइट रोज। व्हाइट रोज 2024 में आई तमिल भाषा की थ्रिलर फिल्म है जिसे के राजशेखर ने लिखा और निर्देशित किया है। इस फिल्म में आपको आनंदी और आर के सुरेश मुख्य रूप से अभिनय करते दिखेंगे। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 4.5/10 की रेटिंग दी गई है और 82% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो दिव्या के पति को गलती से पुलिस वालों के द्वारा इनकाउंटर कर दिया जाता है। पति के मृत्यु के बाद दिव्या का लाइफ पूरी तरह से बदल जाता है। वह एक एक पैसे के लिए तरसती है। पड़ोस की उसकी फ्रेंड दिव्या को कॉल गर्ल बनने के लिए सजेस्ट करती है क्योंकि उसमें अच्छे पैसे हैं। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब दिव्या एक सीरियल किलर के घर में फंस जाती है। वह सीरियल किलर कौन है, दिव्या उससे कैसे बचती है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म अच्छी है, आप इस फिल्म को एक बार जरूर एंजॉय कर सकते हो। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हो। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। नंबर 5, इमाइका नोडिगल। इमाइका नोडिगल 2018 में आई तमिल भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे आर अजय ज्ञानमुथु द्वारा लिखा और निर्देशित किया गया है। इस फिल्म में आपको नयन तारा, अनुराग कश्यप, अथर्व और राशि खन्ना जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.3/10 की रेटिंग दी गई है और 88% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो एक सीरियल किलर लोगों को अपहरण करके उनकी हत्या कर देता है और CBI को चैलेंज देता है। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब IPS ऑफिसर अंजलि के भाई को सीरियल किलर के रूप में पुलिस द्वारा पकड़ा जाता है। क्या सच में अंजलि का भाई सीरियल किलर है या उसे फंसाया जा रहा है? आखिर उस सीरियल किलर की हत्या करने के पीछे का राज क्या है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। फिल्म अच्छी है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। इस फिल्म में आपको नयन तारा की बेहतरीन एक्टिंग देखने को मिलेगी। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप Amazon Prime Video पर आसानी से देख सकते हो। खैर आ जाओ बेटा, अभी नहीं आ सकेंगे हम लड़ाई पर निकले हैं अपने मजहब के लिए। खुदा हाफिज़। नंबर 4, मुल्क। मुल्क 2018 में आई हिंदी भाषा की लीगल ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.2/10 की रेटिंग दी गई है और 77% गूगल यूजर ने पसंद किया है। इस फिल्म में ऋषि कपूर और तापसी पन्नू ने मुख्य रूप से अभिनय किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो एक मुस्लिम परिवार पर आतंकवादी होने का आरोप लगता है क्योंकि उस परिवार का एक बेटा आतंकवाद संगठन में शामिल होकर कई लोगों को मार देता है। उस मुस्लिम परिवार के खिलाफ केस दर्ज होता है और मामला कोर्ट में जाता है। अब वह परिवार अपने आप को आतंकवाद न होकर एक देश प्रेमी कैसे साबित करता है, उस परिवार को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। यह एक मास्टरपीस मूवी है जिसे आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इस फिल्म को आप यूट्यूब पर आसानी से देख सकते हो। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। नंबर 3, थलावन। थलावन 2024 में आई मलयालम भाषा की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है जिसे जिस जॉय ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में आसिफ अली, बीजू मेनन ने मुख्य रूप से अभिनय किया है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 7.3/10 की रेटिंग दी गई है और 96% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो एक सीनियर पुलिस ऑफिसर जयशंकर के घर के छत के ऊपर एक महिला की लाश मिलती है। सबूत पूरी तरह से जयशंकर के खिलाफ है। अब क्या उस सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उस महिला की हत्या की है या फिर उसे फंसाने की साजिश किया जा रहा है, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में आपको जबरदस्त सस्पेंस थ्रिलर देखने को मिलेगा। अगर अब तक आपने इस मास्टरपीस मूवी को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप सोनी लिव पर आसानी से देख सकते हो। पुलिस ने पापा को गिरफ्तार कर लिया। कुछ पता नहीं चल रहा उन्हें कहां रखा है। नंबर 2, गार्गी। गार्गी 2022 में आई तमिल भाषा की लीगल ड्रामा थ्रिलर फिल्म है जिसे गौतम रामचंद्रन ने निर्देशित किया है। इस फिल्म में साई पल्लवी और काली वेंकट ने मुख्य रूप से अभिनय किया है। इस फिल्म को IMDb की तरफ से 8.1/10 की रेटिंग दी गई है और 89% गूगल यूजर ने पसंद किया है। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो गार्गी एक स्कूल टीचर है
जिसके पिता एक कॉलोनी में गार्ड के रूप में काम करते हैं। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब गार्गी के पिता को एक छोटी बच्ची के रेप के केस में पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है। गार्गी को पूरा यकीन है कि उसके पिता ने उस बच्ची के साथ रेप नहीं किया है। आखिर सच क्या है, गार्गी के पिता ने उस बच्ची के साथ रेप किया है कि नहीं, उसी को जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म में आपको जबरदस्त सस्पेंस देखने को मिलेगा और फिल्म काफी अच्छी है। अगर अब तक आपने इस फिल्म को नहीं देखा है तो इस फिल्म को आप सोनी लिव पर आसानी से देख सकते हो और अनऑफिशियल यूट्यूब पर भी देख सकते हो। फिल्म का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। राजीव कैंप से बच्चे आज से तो लुप्त नहीं हो रहे, ये कार्यक्रम तो सालों से चल रहा है। नंबर 1 सेक्टर 36। सेक्टर 36 2024 में आई हिंदी भाषा की साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है। यह सच्ची घटना 2006 के नोएडा सीरियल मर्डर पर आधारित है, जिसे निठारी हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। इस फिल्म को IMDB की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी गई है और 92% गूगल यूजर ने पसंद किया है। इस फिल्म में आपको विक्रांत मैसी, दीपक डोबरियाल जैसे स्टार कास्ट देखने को मिलेंगे। फिल्म की स्टोरी की बात करें तो शहर में एक के बाद एक बच्चों के गुमशुदी का मामला सामने आ रहा है। पुलिस वाले इन गुमशुदी के पीछे के राज को जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब एक पुलिस वाले रामचरण पांडे की बेटी को अपहरण करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन इस बार रामचरण पांडे इस केस को लेकर सीरियस हो जाते हैं और उन गुमशुदी के पीछे के राज को जानने का प्रयास करते हैं। रामचरण को एक सीरियल किलर प्रेम सिंह के बारे में पता चलता है, जो बच्चों को अपहरण करके उनके टुकड़े टुकड़े काट कर नालों में फेंक देते हैं। प्रेम सिंह उन बच्चों को काटने के बाद कुछ और भी करता है, जिसे जानने के लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। प्रेम सिंह ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे का राज क्या है, उसे देखना काफी दिलचस्प है। यह एक मास्टरपीस मूवी है। प्रेम सिंह के सच्चाई को जानकर आपके रूह कांपने लगेंगे, तो आप इस फिल्म को मिस करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पर आसानी से देख सकते हो। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम ऐसे ही फिल्मों से जुड़ी समीक्षाएं लाते रहते हैं।